भी ऐसा लगता है कि धन से जुड़ी दिक्कतें आपका पीछा नहीं छोड़ रही। बरसों से बदहाली, बरसों से गरीबी आप देख रहे हैं और बरसों तक दूर तक देखते हो तो आपको गरीबी ही नजर आती है। यदि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कमियां आपका पीछा छोड़ती ही नहीं और इन कमियों के सिवा आपके जीवन में कुछ रखा भी नहीं है, और ये गरीबी जो है ये लंबे समय से चल रही है, आपके दादा आपके पिता सबने कमी देखी और अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये कमी ना देखें, आपका भी राज तिलक हो। राज तिलक ये क्या शब्द कहा मैंने? हाँ, आपका भी राज तिलक हो, आप एक राजा की तरह जीवन जिए, ये हो सकता है क्या? धन की दिक्कत एक ऐसी दिक्कत है जो परेशानी कभी कम ही नहीं होती। कितना भी परिश्रम आप कर लेते हैं परंतु उतना ही अर्जन कर पाते हैं जितना आपका खर्चा है। चाहे वर्ष भर आपने बहुत अच्छी कमाई की परंतु वर्ष के अंत में जाकर किसी के इलाज के नाम पर चाहे किसी भी ऐसे नाम पर एक मोटी रकम निकल जाती है और आपकी बचत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यही कारण है कि अवस्था पहले भी जैसी थी अभी भी वैसी है और दूर तक गरीबी के आसार नजर आते हैं। यदि मार्केट में आपकी भी है कोई बहुत सुंदर अच्छी दुकान परंतु वो नहीं चलती है, ग्राहक आते ही नहीं है, काम बनता ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा डिस्काउंट दे दे, कितने भी अच्छे व्यवहार आप रख ले कस्टमर्स के साथ, परंतु कस्टमर आपकी दुकान आते हैं और फिर भूल जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं। कभी आपको कोई आपका पुराना कस्टमर मिल जाता है और आप उससे कुछ पूछते हो तो वो कहते हैं मैं भूल गया आपकी भी दुकान थी, फिर आऊंगा। देखो उसके दिमाग से ये चीज निकल जाती है। यानी कहीं ना कहीं हमारा कोई ऐसा ग्रह है जो हमारी छवि को हल्का कर रहा है, कोई ऐसा ग्रह है जो हमें प्रतिष्ठित नहीं होने दे रहा, जो हम तक धन नहीं पहुंचने दे रहा, हमारे किस्मत में चमक नहीं आने दे रहा। तो चलो एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ, किस्मत खुलने लगेगी। प्रथम ग्रहों की बात कर ले तो आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य ग्रह की, जो हमें सूर्य के प्रकाश की तरह चमका देता है। हमारी किस्मत जाग जाती है, हमारा भाग्य जाग जाता है। हम जो चीज बेचना चाहेंगे अपने रेट में बेच सकते हैं, हम जिस चीज को समझाना चाहे वो समझा सकते हैं, हम जितना अर्न करना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं यदि सूर्य हमारा मजबूत हो। आज सूर्य ग्रह की बात कर रही हूँ, एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, सूर्य की तरह चमक उठेगा जीवन। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ कि आपके घर में भी सुबह से ही गरीबी की रोना रोना शुरू हो जाता है, घर की औरतें झगड़ा करती है पैसे को लेकर, घर में बच्चे आपसे नाराज है, माता पिता को उतना सुख आप नहीं दे पा रहे हैं, पहले भी गरीब थे अभी भी कमियां हैं घर में और आगे भी कोई चमत्कार नहीं होने वाला, ऐसा आपको लगता है तो आज एक चमत्कार आपको मैं सिखाने जा रही हूँ, वो भी निशुल्क। मैं आपको बता दूं मेरे सारे वीडियोस मेरे भाई बहनों के लिए निशुल्क है, कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती मैं उपाय के नाम पर और ना ही कोई नंबर जारी करती हूँ। तो मेरी तस्वीर दिखाकर मेरे वीडियो दिखाकर कहीं भी कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है तो सावधान रहे, वो फ्रॉड है, उससे बचे। अभी किसी को पैसे नहीं देने, मुझे भी नहीं देने और किसी को भी नहीं देने। जो बहुत पैसे कमा लो ना, बहुत अमीर हो जाओ तब दान दक्षिणा करना। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो एक बात तो है कि आपको पैसे की कमी है, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। हाँ, जब बहुत पैसे कमा लो मेरा बताया एक दो काम करना, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो तो भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना, कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा रहा हो तो फीस जरूर देना, वो स्कूल जैसे ही जाएगा आप अपने जीवन में बदलाव देखोगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात और मेरे तरफ से आग्रह, किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो, किसी भी मंदिर में कुछ कमी देखो, माँ के कपड़े खराब हो गए हो, झंडे फट गए हो, दिया जलाने को घी नहीं हो, गेट में पेंट नहीं है, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, कोई ऐसी कमी जिसको देख कर मन में बुरा लगे, थोड़ा सा समय देना, थोड़ा सा पैसा देना, मंदिर को तुम चमका दो, तुम्हारी किस्मत चमकाने के लिए किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूर शहर में कहीं कोई ऐसा मंदिर जहां बिल्कुल आपका आना जाना नहीं होता, आप जानते तक नहीं, आप वहां से गुजर रहे हो, नजर पड़ गई, वहां भी किया गया कंट्रीब्यूशन, परमात्मा को आपका घर पता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, सकारात्मक शक्ति आने लगती है हमारे घर में, इसीलिए मंदिर में जरूर सेवा करनी चाहिए। धन से बिल्कुल ना सको तो शरीर से भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मंदिर में कुछ ना कुछ जरूर दो और फिर देखो ना तुमको क्या मिलता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त भी, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। भाग्य न बदल जाए तो कहना। आज अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। इस प्रयोग की बारीकी को अच्छे से समझ ले, बहुत कम लोग समझ पाएंगे इस प्रयोग को, पर समझिए इसके अर्थ को, मैं क्या बता रही हूँ। सबसे पहले आपको तिलक लगाने के लिए एक चीज तैयार करनी है। इस चीज में रहेगी हल्दी, कुमकुम और केसर। मैं जो चीजें बोलूं सिर्फ इन चीजों को मिलाना, बराबर बराबर मात्रा में मिला लेना। हल्दी, कुमकुम और केसर, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी मिला लेना, थोड़ा थोड़ा मिला लेना। एक डिबिया में मिल गई आपकी ये चीज। एक छोटा सा बड़ी सी डिबिया लाना, कोई ऐसी डिब्बी जिसमें एक सिक्का बंद करके रखा जा सके। बात समझ में आ गई? देखो ज्वेलरीज के भी बॉक्स आते हैं ना छोटे छोटे, अब आप समझो आपके पास होंगे कोई ऐसी बॉक्स जिसमें एक सिक्का को अच्छे से बंद करके रखा जा सके, इतनी बड़ी सी एक बॉक्स ले लेना। एक रुपये का एक सिक्का लेना, जिसको गंगा जल से और प्लेन जल से धो लेना, उसको पोंछ कर सुखा लेना। इस सिक्के को आप उस डिबिया पर रख दोगे। दिन होगा केवल रविवार यानी संडे, रविवार को ही यह प्रयोग करना और कोई दिन ना करे। सुबह प्रातः काल सोकर उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, पूजा पाठ आदि से निवृत्त हो जाए, सूर्य जब उग जाए तो सूर्य को जल भी अवश्य दे दे। इस डिबिया पर आप एक रुपए का एक सिक्का रख दे और ये जो तिलक आपने तैयार किया ना तीनों चीज मिलाकर, इस तिलक को पूरा सिक्के के ऊपर भर के ढेर कर दे। सिक्का ढक सा जाएगा, ढक्कन अलग रखे, अभी खुला ही रखे। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके इसे सामने रख दे और एक घी का दिया जलाए, इसको भी मंत्रित करना है। धूप भी जलाए धुआं के लिए, अगरबत्ती ना जलाए, कभी भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। मैं अपना पर्सनल आपको व्यू दे रही हूँ, अगरबत्ती जो काठ की होती है, जो बांस की काठी होती है, उसको नहीं जलाना घर में। जो है आपके घर में गलती से आ गया उसको पहुंचा दो मंदिर में, कहीं ले जाकर रख दो, घर में मत जलाना अगरबत्ती। धूप जलाना, एक दिया जला लेना, एक लोटा जल रख देना, एक आध फूल डाल देना उसमें और इस डिबिया को सामने रखना। सूर्य का प्रकाश उस पर पड़े, पूरे शरीर में तुम्हारे भी सूर्य का प्रकाश पड़े। देव उवाच, इस मंत्र को लगातार बोलना, 1, 2, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 20 बार, 25 बार मत सोचना, गिनना मत, गिनती की तरफ ध्यान भी मत करना, बार बार अभी मंत्रित करने की कोशिश करना। मिनट दो मिनट का समय दो, उसके बाद जो पुष्प डाला है तुमने जल में ना, उस जल से खुद पर भी जल छींटना, इसके भी चारों ओर जल छींटना और ये जो जल तुमने दिया सूर्य देव को दे देना, अर्पण कर देना, ओम आदित्याय नमः बोलकर अर्पण कर देना। ये चीज तुम्हारी क्या तैयार हो गई तुम सोच भी नहीं सकते। ये जो तिलक है ना, इससे राज तिलक होगा तुम्हारा, भाग्य बदल जाएगा। आज से ही प्रारंभ करना, प्रथम दिन से लेकर जो हर दिन ये तिलक तुमको अपने माथे में लगाना है। यदि संभव हो तो घर में जो सबसे छोटी बच्ची हो आपके, हर एक बात के पीछे अर्थ है। अगर मैंने बच्ची कहा है ना तो बच्चा नहीं चुनना, बच्ची चुनना। अगर घर में कोई सबसे छोटी बच्ची हो, लड़की हो, 8 वर्ष से नीचे की लड़की हो, तो ये तिलक वही आपको लगा देगी। उसके बाद अच्छे से डिजाइन से लगाना है तो खुद लगा लेना, प्रथम तिलक वही लगाएगी आपको। अगर रोज मुमकिन ना हो तो प्रथम दिन एक बच्ची को लाना, पड़ोस में भी मिल जाएगी, आती है ना हमारे घर बहुत सारी बच्चियां बगल की खेलने के लिए, एक बच्ची से प्रथम दिन तिलक ले लेना। अगर घर की बच्ची नहीं हो तो फिर अगले दिन से प्रतिदिन ये तिलक आप खुद लगाएंगे। घर में छोटी बच्ची और रोज वो तिलक दे सकती है तो रोज उसे तिलक लेना। केवल इतना करना प्रारंभ कर दो, मान सम्मान धन दौलत से जिंदगी भर जाएगी। जितना सोचा नहीं होगा उतने पैसे आएंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।